Hello viewers, welcome to the channel Mac Online Lectures. I have received a few requests on my WhatsApp number so as to deliver the lectures in Hindi language. So for those Hindi lovers, today I am shooting this lecture, that is the second lecture of heat transfer in Hindi language. So let's start. अपने पहले लेक्चर में हमने देखा था हीट ट्रांसफ़र के किसी भी मीडियम में तीन मोड्स हो सकते हैं जिनको हम नाम देते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसा एग्जांपल जिससे आप तीनों मोड्स को अच्छे से समझ सकते हो. ऑल्दो हमने थॉरली सारा कुछ डिस्कस कर लिया है अपने पहले लेक्चर में, सारी टेक्निकलिटीज़ डिस्कस हो चुकी हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि तीनों मोड्स कैसे काम में आते. सो लेट्स सी. मान लीजिए दिस इज नन अदर देन मी एंड आई डू हैव सम आर्टिकल्स. मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए चॉकलेट्स ही हैं, और मैं वो चॉकलेट्स इन 1, 2, 3 तीन पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जो कि तीन सीट्स पे, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 पे अरेंज्ड हैं. सो फॉर डूइंग दिस आई हैव 3 ऑप्शंस, आई हैव 3 पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटी एक क्या है कि मैं एक चॉकलेट लेता हूँ और उसको जो मेरे नेबरहुड में है, दैट इज नंबर 1 पर्सन, तो उसको मैं अपनी सीट से उठकर वो चॉकलेट डिलीवर कर देता हूँ और मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ. अब पर्सन नंबर 1 के पास चॉकलेट अवेलेबल है जो कि उसे सोर्स से मिली है, और सोर्स कौन है, मैं खुद सोर्स हूँ. अब जैसे ही मैंने वो चॉकलेट पर्सन नंबर 1 को डिलीवर की, तो पर्सन नंबर 1 अपनी सीट से उठता है और वही चॉकलेट वो अपने नेबरहुड के पर्सन को, यानी कि पर्सन नंबर 2 को डिलीवर कर देता है और अपनी सीट पे दोबारा बैठ जाता है. अब वही चॉकलेट नंबर 2 के पास पहुंच गई. सिमिलरली नाउ पर्सन नंबर 2 वो अपनी सीट से उठता है और वही चॉकलेट नंबर 3 को बाय हैंड ट्रांसफ़र कर देता है और अपनी सीट पे आके 2 नंबर पे दोबारा बैठ जाता है. इस तरह से फाइनली 3 नंबर के पास चॉकलेट पहुँच गई. Now I pick one more chocolate. अब उसको मैंने दोबारा से जो मेरे नेबरहुड में है उसी तरीके से ऑफर कर दिया, अपनी सीट से उठा, बाई हैंड उसको ट्रांसफ़र किया और अपनी सीट पर आकर दोबारा बैठ गया. जैसे ही मैंने 1 को वो चॉकलेट ऑफर की, तो 1 अपनी सीट से उठा और उसने वो चॉकलेट नंबर 2 पर्सन को दे दी और 1 अपनी पोजिशन पर आकर बैठ गया. 3 इज ऑलरेडी हैविंग चॉकलेट, नाउ 2 इज ऑल्सो हैविंग द चॉकलेट. इसके पास भी चॉकलेट पहुंच गई और फाइनली मैंने क्या किया, एक और चॉकलेट ली और मैंने 1 को ऑफर कर दी. 1 ने वो चॉकलेट अपने पास रख ली क्योंकि 2 और 3 के पास ऑलरेडी है और मैं अपनी जगह पे दोबारा आके बैठ गया. तो जरा ध्यान से अगर हम इस चीज को देखें, इस एग्जाम्पल को देखें, तो तीनों पर्सन के पास एक एक चॉकलेट पहुंच गई, जबकि तीनों में से कोई भी, इवन द सोर्स भी अपनी पोजीशन से परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं हुआ. अपनी चेयर से उठा, डिलीवर किया और अपनी चेयर पे दोबारा बैठ गया. तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. और ये जो एग्जाम्पल है ये कंडक्शन की सेंस को बता रहा है कि किस तरह से हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन किसी मीडियम में होती है. So this is nothing but the conduction mode of heat transfer. Why conduction? Because chocolate यहाँ से source से यहाँ तक पहुँची है through 1, 2 and 3 this way 1, 2 and 3. So it has propagated through the material, through the chain of molecules in a material. But none of the molecules got displaced from its position permanently. So bulk movement कोई भी नहीं हुई. No bulk movement took place of particles.
तो यही तो कंडक्शन है जिसको हमने समझने की कोशिश की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ये सोर्स एक चॉकलेट लेता है, अपने नेबरहुड में चॉकलेट ऑफर करता है, डिलीवर करता है, उसी तरीके से अपनी सीट से उठा और उसने बाय हैंड उसको ट्रांसफ़र किया। अब चॉकलेट नंबर एक के पास पहुंच गई, अब एक ने क्या किया, एक अपनी सीट से उठता है और सीट नंबर दो पे जो पर्सन है उसके पास जाकर पहुंचता है और उसके साथ अपनी सीट एक्सचेंज करता है। दैट मीन्स जो वन है वो यहां आकर बैठ गया विद चॉकलेट, चॉकलेट के साथ, और जो नंबर टू था जिसके पास चॉकलेट नहीं थी अभी, वो उसकी जगह आकर इस लाइन में यहां पे लग गया। सो यहां पे एक्सचेंज हुआ है पार्टिकल्स का, वन टू पे पहुंच गया विद चॉकलेट, टू वन पर आ गया उसको सब्स्टिट्यूट करता हुआ, उसको रिप्लेस करता हुआ, और इसके बाद दूसरी चॉकलेट दोबारा इसको दी गई। नाउ नंबर टू यहां पे आ चुका है जो कि चॉकलेट के बिना है। अब जैसे ही चॉकलेट नंबर टू वाले पर्सन के पास पहुंची, अब उसने क्या किया, अपनी सीट एक्सचेंज की थ्री वाले के साथ। थ्री वाला वन पोजीशन पर आ गया और जो वन पोजीशन पे था पहले वाला टू नंबर वो थ्री पे चला गया। सो टू नंबर के पास चॉकलेट पहले ही पहुंच चुकी थी जो टू नंबर सीट पर बैठा है। अब थ्री नंबर सीट पे बैठने वाले पे भी पास भी चॉकलेट है और वन नंबर सीट पर जो आकर बैठा उसके पास चॉकलेट नहीं है और उसको चॉकलेट मिल गई इस सोर्स से। बस अब उसने अपने पास वो चॉकलेट रख ली। तो इस एग्जांपल को जरा देखें तो इसमें क्या हुआ है, बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैज टेकन प्लेस। पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो अपनी जगह से लिफ्ट हुआ है, उठा है, परमानेंटली अपनी पोजीशन को उसने डिस्प्लेस किया है। बेसिकली उसकी पोजीशन रिप्लेस हुई है उसके सराउंडिंग, उसके नेबरहुड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके द्वारा, जो मैंने आपको कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में बताया था। बट वहां मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि कन्वेक्शन इज एसोसिएटेड विद अ फाइन लेयर ऑफ कंडक्शन। तो वो फाइन लेयर ऑफ कंडक्शन यहां पे है सोर्स और इसके नेबरहुड वाले मॉलिक्यूल में। उसके बाद चैनल्स गेट एस्टेब्लिश्ड, लूप्स यहां पे जो बंद रही हैं जिनको हमने कन्वेक्शन करंट्स बोला था, तो ये कन्वेक्शन करंट्स ही हैं। क्योंकि पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज की है, लगातार पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कोल्ड पार्टिकल्स हॉट पार्टिकल्स को डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रिप्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज कन्वेक्शन एंड वी कैन से दैट बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। बल्क मूवमेंट अकर्स। नाउ कम टू थर्ड स्टेज, थर्ड पॉसिबिलिटी। इसमें सोर्स चॉकलेट्स डिलीवर कर रहा है डायरेक्टली बाय थ्रोइंग द चॉकलेट टू द रिस्पेक्टिव पर्सन। अगर वन को चॉकलेट ऑफर करनी है तो इस तरह से डायरेक्ट ऑफर हो रही है, टू को ऑफर करनी है तो यहां से डायरेक्ट थ्रो हो रही है, थ्री को ऑफर करनी है तो डायरेक्ट थ्रो हो रही है। तो अगर थ्री नंबर पर चॉकलेट पहुंचती है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ और इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन द सोर्स एंड नंबर थ्री। इसके बीच में एक है, दो है, तीन है, कौन प्रेजेंट है कौन नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, थ्रो पे वो चीज डिपेंड नहीं करती। तो ये रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। So all these three modes of heat transfer are ensuring that each one of the chair holder is getting chocolate of his share. तो इसी प्रकार से conduction, convection और radiation modes में heat transfer होती है source से receiver end तक, और जब तक uniform distribution नहीं हो जाती तब तक, like in conduction और convection, तब तक वो exchange या transfer चलता रहता है। एक्सचेंज इन केस ऑफ कन्वेक्शन और नॉर्मल प्रोपगेशन इन केस ऑफ कंडक्शन। सो होपफुली अब इस एग्जाम्पल के साथ आप समझ चुके होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों मोड्स हीट ट्रांसफर के। सो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है जो क्वेरी है इससे रिलेटेड,
तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। फर्दर जो वीडियोज़ अपलोड होंगी, टेक्निकल वीडियोज़, उनको जानने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।